हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मेरा नाम है मृदुल एंड आप देख रहे हैं सेकंड व्लॉग इस सीरीज का। फर्स्ट व्लॉग में आप सभी ने देखा था हमारी रोड जर्नी जो कि हमने तय की थी नागपुर से लेकर खजुराहो तक की। यह है सेकंड व्लॉग इस सीरीज का एंड आप इसमें देखेंगे द फेमस खजुराहो टेम्पल्स। हम एक्सप्लोर करेंगे पूरे टेम्पल्स एंड आज के दिन टेम्पल्स एक्सप्लोर करने के बाद हम जर्नी तय करेंगे खजुराहो से लेकर प्रयागराज तक की। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं एक और इंटरेस्टिंग सा व्लॉग। और दिन की शुरुआत हुई है बहुत ही खूबसूरत सुबह से एंड आज का है डे टू हमारे इस ट्रिप का। तो चलिए आपको जल्दी से रूम टूर दे देती हूँ एक छोटा सा जहाँ हम रुके थे। इस होटल का नाम है डाक घर 606 और ये ऑपोजिट आता है शिव सागर लेक के। काफी क्यूट सा होटल था एंड काफी क्लीन भी था। इनका खुद का एक टेरेस रेस्टोरेंट भी है एंड यहाँ का खाना भी काफी अच्छा है। अभी हम जा रहे हैं वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स देखने के लिए। टिकट लेने के दो ऑप्शन है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। सो यस, टिकट लेते हैं टेम्पल्स देखने चलते हैं। ये लेक जो आप देख पा रहे हैं इसका नाम है शिव सागर लेक एंड ये सिटी के काफी बीच में है। काफी क्यूट सा स्पॉट है ये, काफी क्लीन भी है एंड रात में भी बहुत सुंदर दिखता है। अगर आपको कैमरा अंदर ले जाना है तो आपको 25 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो इस समय हम लोग खड़े हैं वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में। मैं आप सभी को बता दूं कि खजुराहो के टेम्पल्स जो है ये 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एंड सदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। और यहाँ पर एंट्री टिकट है 40 रुपीज पर पर्सन। तो चलिए सबसे फर्स्ट टेम्पल हम जो देखने आए हैं उसका नाम है कंदरिया महादेव टेम्पल। ओम प्रकाश पटेल सर, ये है वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। खजुराहो 3 भागों में डिवाइडेड है, वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड सदर्न। तो ये मेन पार्ट है वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। इसके अंदर टोटल छोटे और बड़े मिला के 11 टेम्पल बने हुए हैं। 3 टेम्पल्स मेन हैं, पीछे आप देखें तो लक्ष्मणा टेम्पल्स, ये कंदारिया है और ये जगदम्बी। तो हम बात करेंगे खजुराहो की कि खजुराहो में ये टेम्पल्स क्यों बनाए गए, कब और किसके द्वारा। तो खजुराहो के टेम्पल 9th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बिटवीन बनाए गए, चंदेला राजवंश के द्वारा बनाए गए और चंदेला राजवंश का जो रूलिंग कैपिटल हुआ करती थी कालिंजर। यहाँ से कालिंजर की 120 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो कालीन जैसे ये लोग राज करते थे और खजुराहो में आकर के सेलिब्रेशन के तौर पे ये मंदिरों का निर्माण करते थे, क्योंकि ये विक्ट्री टावर है, विजय स्तंभ बने हुए हैं। जब किसी राजा को ये लोग डिफीट कर देते थे और उसकी जीतने की खुशी में एक मंदिर का ही निर्माण करते थे। तो खजुराहो में इस तरह से 9th to 12th सेंचुरी के बिटवीन 85 टेम्पल्स बनाए गए थे और नाउ ओनली 25 टेम्पल्स, 60 टेम्पल टोटल ऑफ डेमोलाइज कर दी गए हैं, खंडहर में तब्दील होते चले गए। चंदे राजा हेमावती और मूढ़गढ़ चंद्रमा के मिलन से जो जनरेशन हुई थी उसका नाम था चंद्रवर्मन। तो चंद्रवर्मन से स्टार्ट होता है और चंद्रवर्मन से स्टार्ट होने के बाद इसके बाद उसकी 5th जनरेशन खजुराहो आती है। बेसिकली इन टेम्पल्स पर इतने इंट्रिकेट और इतने बारकाई से वर्क किया गया है कि आपको रियली यहाँ पर आकर देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि ये कितने सुंदर है एंड ये कितने पुराने होने के बावजूद आज तक इतने इंटैक्ट है। तो कंदरिया महादेव टेम्पल यहाँ का सबसे बड़ा एंड सबसे ह्यूज टेम्पल है अभी तक के, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड काफी सुंदर है। तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं जगदम्बी टेम्पल की ओर। तो अनलाइक कंदरिया टेम्पल यहाँ के स्कल्पचर्स थोड़े से अलग थे। यहाँ हमने देखा कि पुराने जमाने में विमेन्स मेकअप कैसे करती थी, रहते कैसे थी। तो काफी इंटरेस्टिंग स्कल्पचर्स थे यहाँ पर एंड काफी सुंदर टेम्पल था ये। अब तक के देख लिए हैं 2 टेम्पल्स एंड हमें लग गया है 2 घंटा। मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगी कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं टेम्पल्स देखने के लिए तो मेक श्योर करिए कि आप जल्दी आइए, क्योंकि ये टेम्पल जल्दी ओपन होता है। तो आप
इस टाइम का पूरा इस्तेमाल कीजिए, एक गाइड कीजिए एंड जल्दी से आइए, क्योंकि बहुत सुंदर है यहाँ के टेम्पल्स। एंड अगर आप गाइड करते हैं तो ही आप जान पाएंगे कि एक्चुअल मतलब ये टेम्पल्स का आर्किटेक्चर हो गया या हिस्ट्री हो गया, वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। खजुराहो के जो टेम्पल है ये नागर शैली में बने हुए हैं और सनराइज टू सनसेट ये खुलने का टाइम बता दिया। यदि मॉर्निंग में देखते हैं तो बहुत सुंदर व्यू दिखता है इनका, या इवनिंग में सनसेट के टाइम पर। हर्म काम मोक्ष इनके ऊपर इन मंदिरों का डिफेक्शन है, जो नागर शैली में खजुराहो के मंदिर बनाए गए हैं। देखने के तरीके हैं, यदि हम योग के तौर पर देखो तो योग दिखेगा और भोग के तौर पर देखते हो तो भोग दिखेगा। यदि हम भगवान के दर्शन कहते हैं तो संभोग से समाधि की ओर इन मंदिरों को दिखाया गया है। ये जो है नागर शैली के मंदिर से इनको बनाया गया। खजुराहो को नाम मिला है खजूर के पेड़ से, क्योंकि पुराने टाइम में यहाँ के एंट्रेंस में ये पेड़ बहुत ज्यादा लगाए जाते थे। खजुराहो की टेम्पल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड यहाँ की टेम्पल फेमस है यहाँ के इरोटिक स्कल्पचर्स के लिए। बट मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि इनका एग्जिस्टेंस जो है ये बहुत सारे थियोरीज पे डिपेंडेंट है। बेसिकली एक ह्यूमन लाइफ को डिपिक्ट करता है या दिखाता है। एंड बेसिकली फोर कोर बिलीव्स पे, जो कि कर्मा, धर्मा, कामा एंड मोक्षा है, ये होता है एक पूरा ह्यूमन साइकिल। एंड इसी बात को यहाँ के वॉल्स पर दिखाया गया है। तो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के अंदर आता है कंदरिया महादेव टेम्पल, लक्ष्मणा टेम्पल, 64 योगिनी टेम्पल, जगदम्बी टेम्पल, चित्रगुप्त टेम्पल, मातंगेश्वर टेम्पल और विश्वनाथ टेम्पल और वराह टेम्पल। ईस्टर्न टेम्पल्स में आपको काफ़ी सारे जैन टेम्पल्स देखने मिलेंगे एंड सबसे कम टेम्पल्स जो है ये सदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में आपको दिखेंगे। तो चलिए आपको जल्दी से बता देती हूँ कि खजुराहो आप कैसे आ सकते हैं। खजुराहो वेल कनेक्टेड है सारे सोर्सेज से, आप यहाँ पे इजीली बस से, ट्रेन से या बाय फ्लाइट आ सकते हैं। बस और रेलवे की सर्विस आपको इजीली दिल्ली, आगरा, इंदौर और भोपाल जैसे बड़े बड़े सिटी से और भी कई सिटीज से आपको इजीली मिल जाएगी। रेलवे स्टेशन यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, पर आप वहाँ से इजीली बाय कैब या बाय रिक्शा आ सकते हैं। एंड एयरपोर्ट यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है एंड ये वेल कनेक्टेड है दिल्ली एंड वाराणसी से। गाइज हम लोग का हो गया है लंच अभी एंड हम लोग अभी भी इस समय है खजुराहो में। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं प्रयागराज के लिए, जो कि है 260 किलोमीटर के आसपास। तो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। तो खजुराहो से लेकर प्रयागराज का डिस्टेंस है 280 किलोमीटर और ये कंप्लीट करने के लिए हमें लग गए थे 6-7 घंटे, क्योंकि ये रास्ता खराब था एंड थोड़ा सा डिले हो गया था। तो इस वजह से हम रात में पहुंचे 9:30 के आसपास एंड काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने रिकॉर्डिंग एंड ऑल कुछ भी नहीं किया। बट हम 9:30 बजे प्रयागराज पहुंच गए थे। सो यस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि आप इसे लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को एंड शेयर भी कर रहे हैं अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में। सो बस इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। होता है यमुना, सरस्वती एंड गंगा का संगम।